नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन के मनकापुर में लगी है मां दुर्गे की मनमोहक झांकी। राम मंदिर का चित्रण लोगों को अपनी ओर कर रहा है आकर्षित। खबर मध्य प्रदेश के रायसेन के बाड़ी के ग्राम मनकापुर मां दुर्गे की झांकी के कारण काफी प्रसिद्ध हो रहा है। शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण अंचलों तक मां दुर्गे की मनमोहक झांकी के लोग दर्शन कर रहे हैं। वहीं दुर्गा उत्सव समिति द्वारा राम मंदिर पर दुर्गा उत्सव के समय राम मंदिर का मनमोहक चित्रण किया है, जिसे देखने के लिए ग्रामीण अंचल के लोग भारी तादाद में आ रहे हैं। क्योंकि राम मंदिर जन आस्था का केंद्र बिंदु है, इस कारण लोग सूरज ढलते ही लोग मनकापुर की ओर निकल जाते हैं। जानकारों का मानना है कि प्रतिदिन कम से कम 3 दर्जन गांवों के लोग मनकापुर में राम मंदिर देखने आ रहे हैं। दुर्गा उत्सव समिति द्वारा इसका चित्रण अयोध्या में बना रहे मंदिर का पूरा छाया चित्र दुर्गा उत्सव समिति ने राम दरबार के रूप में स्थापित किया है। माँ दुर्गे को शक्ति उपासना के इस महापर्व पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की जो झांकी पर चित्रण किया गया है, उसमें कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया है, जिसकी पूरे क्षेत्र में प्रशंसा हो रही है। शाम 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक गांव-गांव से लोग राम मंदिर को देखने आ रहे हैं। जो देखकर आया वह भूल नहीं पाया। मनकापुर में ठाकुर समाज द्वारा किए गए राम मंदिर के निर्माण की भूरी प्रशंसा की जा रही है। रायसेन संवाददाता ब्रिजेश ठाकुर की रिपोर्ट।